नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, सहायक प्राध्यापक भूगोल, सर्वनारायण सिंह राम कुमार सिंह महाविद्यालय सहरसा। आज के इस वीडियो में मैं सूखा और उनका प्रबंधन कैसे किया जाए इस पर चर्चा करूंगा। पूर्व के वीडियो में मैंने प्राकृतिक आपदा बाढ़ और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए ताकि हम उस आने वाली उस बाढ़ आपदा से कमतर हमको क्षति हो या मानव जीवन को कम से कम नुकसान हो के बारे में चर्चा की थी। तो आज हम सूखा और उसका प्रबंधन कैसे किया जाए इस विषय वस्तु पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इस विषय वस्तु को समझने में ये वीडियो काफ़ी सहायता करेगी। सूखा किसी ऋतु या किसी काल में आशानुरूप वर्षा न होने के कारण सूखा पड़ता है। कम वर्षा होने से मनुष्य, पौधे, पशुओं और कृषि की जल की आवश्यकता पूरी नहीं हो पाती है। कम वर्षा होने से नदी, झील, जलाशयों और कुएं सूखने लगते हैं क्योंकि इनमें से पानी अधिक निकल जाता है और भूजल की आपूर्ति कम हो जाती है। पानी की कमी के कारण फसल भी अच्छी नहीं होती। ये सब बातें आने वाले सूखे के मुख्य सूचक हैं। सूखा के कारण, सूखा वर्षा की कमी के कारण होता है। मौसम विभाग के अनुसार यदि वार्षिक वर्षा का औसत 10% से अधिक कम हो जाता है तब सूखे का सूचक है। सूखे की भीषणता का अनुमान वर्ष भर की वर्षा के औसत में होने वाली कमी से लगाया जा सकता है। पिछले कुछ समय में सूखों की संख्या में वृद्धि हुई है और इसका मुख्य कारण वनोन्मूलन और पर्यावरणीय अवक्रमण है। सूखे के प्रभाव कृषि पर भी सूखे का भीषण प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले सूखे से वर्षा पर निर्भर फसलें प्रभावित होती हैं। चारागाहें, भूमिहीन मजदूर, खेती पर निर्भर किसान, औरतें, बच्चे और फार्म में पशुएं सूखे के दुष्प्रभावों से सर्वाधिक प्रभावित होते हैं। सूखे पड़ने के अग्रांकित दुष्प्रभाव हैं, जैसे फसल न होने पर भोजन की कमी से भूखमरी और मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाते हैं। डेयरी की गतिविधियां, इमारती लकड़ी और मछली पालन प्रभावित हो जाता है। बेरोजगारी में वृद्धि होती है। भूमिगत जल का स्तर कम हो जाता है। गहरे पानी भरे स्थानों से पानी को बाहर पंप करके फेंकने से ऊर्जा की हानि होती है। जल बिजली पावर प्लांट में ऊर्जा का उत्पादन कम हो जाता है। जैव विविधता की क्षति, लैंडस्केप की गुणवत्ता में कमी आ जाती है। स्वास्थ्य समस्याओं, गरीबी में वृद्धि, जीवन स्तर में कमी और सामाजिक अशांति के कारण लोग दूसरे स्थान पर जाने लगते हैं। अब सूखे का प्रबंधन कैसे किया जाए इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। यदि कुछ उपायों को ध्यान में रखा जाए तो सूखे के प्रतिकूल प्रभावों को कम किया जा सकता है। वर्षा का नियमित रिकॉर्ड रखना, जलाशयों और पानी के भंडारों, नदियों, स्रोतों में पानी की उपलब्धता मांग के अनुपात में होनी चाहिए। जब मांग की तुलना में पानी कम हो तो पानी की खपत भी कम करनी चाहिए। पानी की खपत कम करने के लिए अनेक जल संरक्षण उपाय अपनाने चाहिए। इसमें जल की खपत कम करना, कुशलता और सावधानी से पानी का प्रयोग करना, पानी के बेकार होने को रोकना और प्रयोग किए पानी को छोटे कामों के लिए दोबारा प्रयोग में लाना शामिल है। सिंचाई और बुआई में कुशल विधियों को कृषि में अपनाना चाहिए। ऐसे फसलों को लगाना चाहिए जिनमें पानी की कमी की खपत कम होती हो। वर्षा के जल को एकत्रित करने से पानी की उपलब्धता बढ़ती है। वर्षा जल एकत्रित करने का अर्थ है कि सब तरह से बाहर आने वाले पानी एक ही स्थान पर इकट्ठा हो और जल भंडारण हो, या पानी को भूमि में इतने नीचे तक जाने का रास्ता मिले कि भूमिगत जल स्तर बढ़ा रहे। धन्यवाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं भूकंप और उसके प्रबंधन के बारे में चर्चा करूंगा। धन्यवाद।